योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से आई पोस्टर सुनामी। चाचा भतीजा मिलकर करने लगे प्लानिंग। चुनाव से पहले गजब लड़ाई। रैली दौरों को छोड़ पोस्टरबाजी में लगे नेता। लखनऊ की सड़कों पर हर दिन दिख रहे नए संदेश। क्या ऐसे लड़ा जाएगा उपचुनाव? योगी ने विपक्ष को पोस्टर की सियासत में क्यों उलझाया? उपचुनाव में जीत के लिए चला नया दांव या 27 के लिए अभी से जमाए पाओ? योगी आदित्यनाथ ने जब से बटेंगे तो कटेंगे की बात कही है, तब से ही सियासत तेज है। शायद ये बात खुद योगी को भी पता नहीं होगी कि जो नारा वो दे रहे हैं उससे ही एक अलग पोस्टर वॉर छिड़ जाएगी और हर पार्टी इसी नारे के दम पर चलकर अपना प्रमोशन करने लगेगी। जनता के बीच अपनी पार्टी पर भरोसा दिलाने की जदोजहद में जुटे सभी नेता अब पोस्टर वॉर के जंग के मैदान में कूद चुके हैं। लखनऊ में हर जगह अलग अलग पार्टी जुबानी जंग छोड़कर अब एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए निशाना साध रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार रैलियों की बजाय शायद ये चुनाव पोस्टर्स पर ही लड़े जाएंगे। अब एक एक करके आपको उन पोस्टर्स की तस्वीर दिखाते हैं जिनकी चर्चा उपचुनाव से ज्यादा है। पहली तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा। 26 अगस्त 2024 को आगरा की एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। योगी ने कहा था कि आप अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं कि कैसे लोगों को मारा जा रहा है, यहां भी अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। मतलब योगी ने हिंदुओं को एक साथ रहने की बात कही थी। योगी आदित्यनाथ का ये नारा महज संयोग नहीं था। ऐसा बताया गया कि भोपाल में आरएसएस के 23 विचारकों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी। इसमें बीजेपी के भी कुछ बड़े नेता शामिल थे। इसी बैठक के 20 दिन बाद योगी ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे दिया था। दूसरी तस्वीर, 2027 का सत्ताधीश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर सपा नेता के 27 के सत्ताधीश वाला पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद से इसकी चर्चा थी। सोशल मीडिया पर यह साफ देखा जा रहा था कि योगी के नारे पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव का यह पोस्टर क्या संदेश दे रहा है। तीसरी तस्वीर, निषाद पार्टी का 27 के खेवन हार का नारा। जैसे ही 2027 का सत्ताधीश का पोस्टर सपा के कार्यालय के बाहर लगा तो इसका जवाब देते हुए भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने 2027 में अपनी अहमियत जताने की कोशिश की। निषाद पार्टी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजीत निषाद को 27 का खेवन हार बताते हुए राजधानी लखनऊ में कई जगह पोस्टर लगवाए गए। चौथी तस्वीर, न बटेंगे न कटेंगे बल्कि 2027 में नफरत करने वाले मिटेंगे। एक बार फिर सपा ने कटेंगे तो बटेंगे के स्लोगन पर पलटवार किया। उनके पोस्टर में लिखा गया, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। सपा नेता रंजीत कुमार की ओर से लगे पोस्टर खूब वायरल हुए। उसमें उन्होंने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे पर पलटवार कर दिया। उन्होंने लिखा, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये पोस्टर आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए दर्शाया गया था। ये होर्डिंग सीएम आवास, सपा कार्यालय, राजभवन और अन्य प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। पांचवी तस्वीर, 2027 का नारा, निषाद है सहारा। जैसे ही सपा ने भाजपा पर पलटवार किया उसके तुरंत बाद निषाद पार्टी ने नारा दे डाला, 2027 का नारा, निषाद है सहारा। और 2027 में निषाद का साथ बीजेपी के लिए है जरूरी। ये होर्डिंग्स राजधानी के अलग अलग लोकेशंस पर लगाए गए। हालांकि निषाद पार्टी ने इन होर्डिंग से बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की। माना जा रहा है कि पार्टी अपनी अहमियत बताने के लिए होर्डिंग लगा रही है। अब दिखाते हैं छठवीं तस्वीर जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सपा नेता शिवपाल यादव ने जबरदस्त पलटवार कर दिया। मैनपुरी की करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा, जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। इस दौरान शिवपाल यादव द्वारा अधिकारियों को चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं लेकिन वो वोट नहीं डालने दे रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है जबकि परिणाम 23 नवंबर को आ जाएंगे। इसके लिए सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि इन सब पोस्टरों को देखकर अब ऐसा ही लग रहा है मानो इस बार का उपचुनाव हर पार्टी पोस्टर के दम पर ही लड़ना चाह रही हो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।